मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं, तो मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस में इनको यूज करने के लिए हमें एक तो मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, जो प्रोग्राम के शुरुआत में जैसे हम हैश इंक्लूड एसटीडीआई और डॉट एस लिखते हैं, उसी तरह से हैश इंक्लूड और ब्रेसेस एंगल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे मैथ डॉट एच, और फिर सी प्रोग्रामिंग में हमें जो सेंटेंस लिखने हैं उनको कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, बाद में परसेंटेज एफ, जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है उसके लिए इनपुट आर्गुमेंट के रूप में जैसे हम लिख दें एस क्यू आर टी आगे पैरेंथिसिस में 100। अब तक हम यहाँ कोई सिंपल आर्गुमेंट, सिंपल नंबर या सिंपल वेरिएबल नेम या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, यदि हम स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे एस क्यू आर टी और पैरेंथिसिस में बाद में छोटे कोष्ठक में वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ऐसा लिखने पर हमें आउटपुट में 10.000000 मिलेगा, जो 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, यहाँ दशमलव के बाद में 6 शून्य इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि नॉर्मल सी प्रोग्राम में नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट जो आउटपुट होता है उसमें दशमलव के बाद में 6 डिजिट दिखाई जाती हैं, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स शो की जाती हैं, यहाँ सारी डिजिट्स ज़ीरो हैं तो 0 शो हो रहा है। यहाँ एस क्यू आर टी एक लाइब्रेरी फंक्शन है, मैथ लाइब्रेरी फंक्शन है, और जब भी मैं किसी प्रोग्राम में हम इस तरह से फंक्शन को लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब हम यहाँ एस क्यू आर टी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद में जो पैरेंथेसिस में नंबर लिखा है 100, उसको हम कहेंगे एस क्यू आर टी फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट है। किसी फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, 0 आर्ग्यूमेंट हो सकता है और मैनी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन पे। एस क्यू आर टी फंक्शन है उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट होगा और वो आर्ग्यूमेंट फ्लोट या डबल टाइप का होगा। इसको हम एस क्यू आर टी फंक्शन का इनपुट कहते हैं या इनपुट आर्ग्यूमेंट भी कह देते हैं। इसी तरह से कोई भी फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ एस क्यू आर टी जो लिखा है इसकी जगह जो वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, तो वो इसका रिटर्न है इस फंक्शन का जो यहाँ प्रिंट हो रहा है, तो ये एस क्यू आर टी फंक्शन है इसका रिटर्न भी डबल होता है, रिटर्न डबल होता है, डबल रियल नंबर का डबल प्रिसीजन है, और वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। पूरा प्रोग्राम देखें तो वो इस तरह से लिखेंगे जैसे हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, बाद में हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ये लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है इंट मैन फ्लोट एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई को फ्लोट के रूप में डिक्लेयर कर दिया, फिर प्रॉम्प्ट है गिव ए पॉजिटिव नंबर, बाद में स्कैन एक्स की वैल्यू स्कैन कर ली, रीड कर ली, उसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है रियल नंबर का जहाँ एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, इज फिर एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है रियल नंबर का जहाँ पर एस क्यू आर टी ऑफ एक्स प्रिंट होगा, लो एक्स की जो वैल्यू है वो स्क्वायर एस क्यू आर टी फंक्शन के पास जाएगी, वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। बाद में हमने किया वाई इज इक्वल्स टू एस क्यू आर टी एक्स प्लस 10, यहाँ आर्ग्यूमेंट जो लिया है एस क्यू आर टी में वो एक्स वेरिएबल में 10 ऐड करके लिया है, तो ये एक्स में 10 ऐड करेगा और देन उस आर्ग्यूमेंट को जो एक्सप्रेशन बन गई है एक्स प्लस 10 उसको पहले कैलकुलेट करेगा, एक्स की जो वैल्यू उसमें 10 ऐड होगा, देन उस वो एस क्यू आर टी फंक्शन के लिए सिंगल आर्ग्यूमेंट के रूप में वो वैल्यू जाएगी, एस क्यू आर टी फंक्शन उसका स्क्वायर रूट निकाल के वाई को असाइन कर देगा, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं कि एक्स प्लस 10 का स्क्वायर रूट वाई है और वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ कन्वर्जन स्पेसिफायर में 0.2 ऐप का मतलब है यहाँ पॉइंट के दशमलव के बाद में 2 ही डिजिट प्रिंट होंगी। इस तरह से
कोई भी जो आर्गुमेंट है फंक्शन के अंदर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकता है, या वो एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे हमने यहाँ x प्लस 10 दिया, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ हम सिंपल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते थे, यहाँ हम सिंगल वेरिएबल भी दे सकते थे। हम कोई भी फंक्शन है उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। हम किसी फंक्शन को कॉल बिना प्रिंट स्टेटमेंट के भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये एग्जांपल। तो ये एग्जांपल है, ये वही एग्जांपल है जो अब हम इतना भी हम देख रहे थे। ये कुछ कमेंट्स हैं। stdio.h नाम की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया है, math.h फंक्शन को इंक्लूड कर दिया है, मेन फंक्शन है जिसमें एक्स वाई को डिक्लेयर किया है, प्रॉम्प्ट प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, एक्स को रीड करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, एक्स का स्क्वायर रूट प्रिंट कर रहे हैं, एक्स प्लस 10 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। ये फंक्शन कंपाइल करने पर कंपाइल नहीं हो रहा है। यहाँ कंपाइलेशन के समय हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम math.h को इंक्लूड करते हैं तो, और उसके किसी फंक्शन को काम में लेते हैं, जैसे हम यहाँ स्क्वायर रूट को काम में ले रहे हैं, तो यहाँ कंपाइल करते समय हमें gcc space minus o space example डॉट सी की बजाय यहाँ इस स्टेटमेंट में माइनस lm भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम माइनस lm लगा देते हैं, फिर इसको कंपाइल कर दिया, रन, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन करते हैं। ये को पॉजिटिव रियल नंबर देने को कह रहा है, हम 100 दे देते हैं, 100 का स्क्वायर रूट 10 प्रिंट कर दिया और बाद में x प्लस 10 मतलब 110 का स्क्वायर रूट 10.48809 है। एक बार फिर से रन करते हैं, इस बार 90 देते हैं इनपुट में, तो 90 का स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया, देन 90 प्लस 10 100 है, उसका स्क्वायर रूट प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से ये वर्गमूल प्रिंट कर रहा है।